Good morning, students. Welcome in the next lecture of Pharmaceutics 1. Students, we are discussing the chapter Immunity and Immunological Products. In this chapter, we have already completed a topic, Immunological Products for Passive for Active Immunization. Now we are going to start our next topic, that is Immunological Products for Passive Immunization. Clear? Passive immunization के लिए कि किसी person को passively immunity provide करने के लिए बेसिकली ये कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं विच प्रोड्यूसेस पैसिव इम्यूनिटी. ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं मोस्टली ये डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं या इंटीरियर प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज होती हैं. होता क्या है कि जब हम किसी पर्सन को या एनिमल को एक्टिवली इम्यूनाइज करते हैं किसी भी मीन से आप कर सकते हैं उसको नेचुरली या आर्टिफिशियल मीन से उसको एक्टिवली इम्यूनाइज करते हैं तो आप जानते हैं उसकी बॉडी में क्या लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है, तो अगर आप उसका ब्लड विड्रॉ करते हैं उस ब्लड को आप क्लॉट करते हैं तो जो उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो अगर ये जो एंटीबॉडीज हैं ये टॉक्सिन के अगेंस्ट हों तो इनको हम बोलते हैं एंटी टॉक्सिन. इस सीरम को हम बोलते हैं एंटी टॉक्सिन सीरम. ठीक है, अगर ये जो एंटीबॉडीज इस सीरम के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो इसे हम बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल सीरम. ठीक है, अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट है तो एंटी बैक्टीरियल सीरम बोला जाएगा इसको. और अगर जो एंटीबॉडीज हैं वो वायरस के अगेंस्ट है मतलब एंटीवायरल है तो इस सीरम को हम बोलते हैं एंटीवायरल सीरम. ठीक है, एंटीटॉक्सिन, एंटी बैक्टीरियल सीरम और एंटीवायरल सीरम. मोस्टली ये जो प्रेपरेशन होती हैं ये एनिमल से बनाई जाती हैं मतलब ये जो सीरम की प्रेपरेशन होती हैं मोस्टली हॉर्स में यूज किया जाता है. बट जब आप एनिमल ओरिजिन से ये बनाते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं. कई बार इनमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं मतलब तो उसमें जैसे एनिमल रिएक्शन हो गया या सीरम सिकनेस हो गई ये बहुत लोगों को प्रेजेंट होते हैं ऐसे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं. ह्यूमन ओरिजिन से अगर आप ब्लड लेके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनकी जो एलर्जिक रिएक्शन है बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल ओरिजिन. अब हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीटॉक्सिन्स. एंटीटॉक्सिन में सबसे पहले हमें जो स्टडी करना है बैक्टीरिया एंटीटॉक्सिन. जैसे मैंने आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया था वैसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 16 मार्क्स के क्वेश्चन में बैक्टीरिया एंटीटॉक्सिन भी बहुत तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो है उसको बनाने के लिए पहली बात तो यह है कि होता कैसा है. ये जो होता है बिल्कुल कलरलेस भी हो सकता है लाइट येलो कलर का और पहले से क्लियर होता है. तो इसको बनाने के लिए इसकी जो प्रेपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है. इस लेक्चर में आप इसकी प्रेपरेशन समझ लीजिए अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए क्योंकि बाकी जो एंटीटॉक्सिन है जैसे टेटनस है गैस है वो भी इसी मेथड से बनेंगे. तो मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन कैसे बनाया जाता है इसकी प्रेपरेशन. तो इसकी प्रेपरेशन में कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है प्रेपरेशन ऑफ टॉक्सिन फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ द हॉर्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात है कि हम इसमें एनिमल कौन सा यूज करेंगे हम हॉर्स को यूज करते हैं. तो सबसे पहले हॉर्स है उसको एक्टिवली इम्यूनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं टॉक्सिन को प्रिपेयर करते हैं. तो आप सभी जानते हैं कि डिप्थीरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया. इसलिए आप क्या करते हैं इस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को एक सूटेबल कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर फॉर 4 to 7 डेज. ठीक है, इतने टाइम पीरियड के लिए आप उसको ग्रो करते हैं. उसके बाद इसमें
डिजीज फ्री हॉर्स आपने चूज कर रहे हैं, इनको आपने आइसोलेटेड प्लेस में रखना है 7 डेज के लिए और फिर इनको आपने केयरफुली एग्जामिन करना है। इनको आपने टेटनस टॉक्साइड देना है, ठीक है, उसका इंजेक्शन लगा देना है ताकि टेटनस के लिए से ये इम्यूनाइज हो जाए। उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा एक्टिव इम्यूनाइजेशन द हॉर्स, जो हॉर्स आपने सेलेक्ट किए उनको आपने एक्टिवली इम्यूनाइज करना है। क्या करेंगे आप कि जो सिलेक्टेड हॉर्सेज होंगे आपके पास उनको आप डिप्थीरिया के टॉक्साइड जो आपने प्रिपेयर किया है उसके इंजेक्शन देने हैं। देने आपने इंट्रामस्कुलर रूट से है और आपने डोज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। अब इसकी डोज आप समझिए कि कैसे देनी है आपने। जैसे आपने फर्स्ट डोज दी तो जो फर्स्ट डोज इसकी आपने देनी स्टार्ट करनी है दैट शुड बी 5 ml, ठीक है। पहली डोज 5 ml दी, उसके डोज है 3 दिन के गैप के बाद उसकी डबल डोज देनी है 10 ml, फिर 2-3 दिन के गैप के बाद 20, ऐसे फिर गैप के बाद 40, 40 का 80, 80 का 160, फिर 320 और जो लास्ट डोज आपने देनी है दैट शुड बी 600 ml, ठीक है। मतलब आप 5 ml से स्टार्ट होंगे, दोनों 3-3 दिन का गैप आपने देते जाना है और जो आपकी लास्ट डोज होगी बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दैट शुड बी 600 ml। ऐसे आपने हॉर्स को एक्चुअली इम्यूनाइज करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ सीरम फ्रॉम द हॉर्स। हॉर्स में से आपने सीरम को कैसे सेपरेट करना है कि जब आपने लास्ट डोज दे दी जो फाइनल डोज होगी आपकी जो 600 ml की वो दे दी, उसके बाद आपने 10 डेज की रेस्ट देनी है एनिमल को, ठीक है। और फिर उसमें से आपने बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशंस में ब्लड कलेक्ट करना है, ठीक है। आपने उतना ब्लड कलेक्ट करना कि आपको एडिक्वेट एंटीटॉक्सिन मिल जाए। अब ब्लड कैसे कलेक्ट करना है, 8 डेज के पीरियड के इंटरवल में आपने 1 लीटर ब्लड कम से कम 3 टाइम्स कलेक्ट करना है, यानी 8 डेज के अंदर 3 बार आपने 8 लीटर ब्लड ले लेना है, यानी आपने 24 लीटर ब्लड जो है 8 डेज में हॉर्स से कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसको 2 वीक की रेस्ट देनी है, फिर से वो भी सारा प्रोसीजर आपने फॉलो करना है उसको डॉक्टर देने वाला, ठीक है। फिर जो लास्ट डोज दे दी जाएगी अगेन उससे आपने उसके 10 दिन के गैप के बाद फिर से 24 लीटर से ब्लड करना है 8 डेज के अंदर। ये जो प्रोसेस है आप 4-5 टाइम जो है रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब उसको वैक्सीन देते जाइए, उसकी बॉडी में जो प्रोड्यूस होती है जो एंटीबॉडीज उनको आपने कलेक्ट करेंगे, एंटीटॉक्सिन भी इकट्ठा करना है, वो आप 24 लीटर ब्लड जो है ऐसे कलेक्ट करते रहिए। ये जो रेपिटेशन है 4-5 टाइम्स होनी चाहिए। जब सारा ब्लड आपका कलेक्ट हो जाए उसको आपने जो है क्लॉट करना, ठीक है, ताकि सीरम जो है सेपरेट हो। अब ये आपको जो सीरम मिलेगा इसमें एंटीटॉक्सिन के अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन होंगे। आप जानते हैं प्रोटीन की वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, जैसे बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपका फिफ्थ स्टेप जो आएगा दैट इज कंसंट्रेशन एंड रिफाइनमेंट। तो इतने सारे प्रोटीन हैं जिनको आपने एक एक करके सेपरेट करना है, तो उसके लिए आपके पास दो प्रोसीजर हैं। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन बाय फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। इन पार्ट्स में आपने जब वो है प्रेसिपिटेशन करनी है कि जो हॉर्स होता है उसका जो सीरम होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन जो हैं लार्ज अमाउंट में होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जब पेशेंट को दिया जाता है ये एंटीटॉक्सिन तो उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, सीरम सिकनेस हो सकती है, यानी एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो हम इनको जैसे पहला जो हमारा मेथड है बाय फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन इन पार्ट्स में प्रेसिपिटेट करके इन प्रोटीन को हम सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे हम, सीरम को आप अमोनियम सल्फेट के साथ मिक्स करेंगे और सैचुरेशन आपको 25-33%। इसमें क्या होगा, आपका गामा ग्लोबुलिन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसको आप सेपरेट कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। अब इस सॉल्यूशन
होता है, इसमें आप सारा बताएंगे कैसे हॉर्स को सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, पहले आपने उसको सिलेक्ट जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ हॉर्स करने के लिए आपने वैक्सीन बनाया, तो उसके इंजेक्शन कैसे कितनी कितनी डोज में कितने इंटरवल पे हॉर्स को लगाए, फिर कैसे ब्लड उसमें से ब्लड कलेक्ट किया, सीमेन सेपरेट किया, फिर उस सीमेन को कैसे कल्चर देना और फाइंड किया, ठीक है, और फिर उसकी स्टोरेज एंड यूज, यह है आपका बैक्टीरिया एंटीटॉक्सिन। इसके बाद आता है टेटनस एंटीटॉक्सिन। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हो कि टेटनस जो है वो उसको जो उसका टॉक्सिन आपको कहाँ से मिलेगा, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस से मिलेगा, ठीक है, प्रोसीजर सारे का सारा सेम रहेगा, बस इसका जो टॉक्सिन है वो जो आपको एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ हॉर्स के लिए यूज करना है वो आपको मिलेगा क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस से। तो टेटनस एंटीटॉक्सिन देखने में बाकी सारा प्रोसीजर आपने सेम लिखना है, स्टोरेज भी सेम है, बस इसकी जो पोटेंसी है इसकी 1000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो फाइलेक्टिक डोज यूज के लिए और थेरेपेटिक यूज के लिए इसकी जो पोटेंसी है दैट इज 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर एम। स्टोरेज इसकी भी सेम है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है, टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ्रीजर में इसको नहीं स्टोर करना है। डोज इसकी है ये भी सब स्टोरेज इसकी है सिंगल डोज और मल्टी डोज कंटेनर, टेम्परेचर 2 to 8
ठीक है, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है।